जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, अमेरिका में आज होने वाली है 2+2 मीटिंग, और उसके ठीक पहले मोदी साहब से बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। लेकिन इसके पहले ही भारतीय रक्षा मंत्री अपने काम में लग गए हैं। उन्होंने अपने सबसे पहले कार्यक्रम में मुलाकात की अमेरिकी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों बोइंग और रेथियन से। बोइंग आपको जानकारी होगी, टाटा के साथ मिलकर भारत में पहले ही प्रोडक्शन कर रहा है। हालांकि वो कुछ कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन है, लेकिन वह बढ़ रहा है धीमी गति से। जहां तक रेथियन का सवाल है, वह भी एक बहुत दिग्गज कंपनी है, लेकिन उसका भारत में इतना कारोबार नहीं है। मूलतः डिजाइन में है और थोड़ा बहुत ये एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च वगैरह करवाते हैं भारत में। मुद्दे की बात यह है कि दोनों कंपनियां जिनसे भारत बड़े पैमाने पर माल खरीदता है, उनकी भारत में उपस्थिति जो है वह पर्याप्त नहीं है। यह दोनों दिग्गज भारत को माल बेचना चाहते हैं, भारत में माल बनाना नहीं चाहते। इसलिए भारतीय रक्षा मंत्री ने इन दोनों कंपनियों के अधिकारियों को साफ साफ बता दिया है कि भाई साहब, आपने भारत में प्रोडक्शन करना होगा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की कैंपेन में शामिल होना होगा। ना सिर्फ उन्होंने भारतीय मांग उनके सामने रखी, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि भारत में किस प्रकार एक बेहतर वातावरण का विकास किया जा रहा है, ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ना सिर्फ यहाँ पे पनपे बल्कि फले और फूले भी। दोस्तों, आप सभी की मांग रहती थी कि अमेरिका ने भारत को अपनी डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहिए। अमेरिका भारत में अपने कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करे, प्रोडक्शन करे, बाद में असेंबली करके फाइनल प्रोडक्ट यदि अमेरिका ने दुनिया को बेचना है तो अमेरिका वह कर सकता है। कुल मिलाके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनना चाहिए भारत। यह आपकी मांग थी, और आपकी मांग को सबसे पहली मुलाकात में भारतीय रक्षा मंत्री ने उठाया है। इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, उससे पता चलता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता क्या है। मोदी जी और बाइडेन की ऑनलाइन मीटिंग में अथवा 2+2 मीटिंग में जो हाई लेवल की बात होगी, खरीदने बेचने की बात होगी, वह बाद में की जाएगी। मुद्दे की बात सबसे पहले कर लो। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह बात सबसे पहले की जाएगी, ताकि अमेरिका के भेजे में भी यह बात उतर जाए कि भारत हमेशा अमेरिका से हथियार नहीं खरीद सकता है। ज्वाइंट प्रोडक्शन के अलावा अमेरिका के सामने और कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ अमेरिका में दोस्तों मोदी सरकार ने आपकी मांग उठाई है, इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध के कारण एक और पॉजिटिव घटनाक्रम हुआ है। भारतीय जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक तक, सब में जो कंपोनेंट्स लगते थे, उन कंपोनेंट्स की आउटसोर्सिंग की जाती थी यूक्रेन से। मतलब आप देखिए, भारतीय ऑटो कंपनियां भी अपना काम जो है भेज देती थी यूक्रेन में। यूक्रेन में तो जान के लाले पड़े हुए हैं। यूक्रेन ना तो कंपोनेंट सप्लाई कर सकता है, ना ही रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है। इसलिए भारतीय ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जिन्होंने चुपचाप अपना काम यूक्रेन भेज दिया था, अब उनको दिख रहे हैं दिन में तारे। एक तरफ ईस्ट एशिया के देशों से भर भर के डिमांड आ रही है, साथ में भारत की भी कंपोनेंट डिमांड है, उसे ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब यह भारत में ही अपने कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, भारत में ही अपना प्रोडक्शन बेस मजबूत कर रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन में हो गया है युद्ध, जिससे अब भारत जो है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का फिर से केंद्र बन रहा है, जैसा कि हम पहले थे। देख लीजिए दोस्तों, कितनी आसान बात थी कि आदमी ने अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, लेकिन फिर भी इन भारतीय कंपनियों ने वही गलती की। आज जब पुतिन साहब ने यूक्रेनियन टोकरी में रखे इनके सारे अंडे फोड़ दिए, तो इन्हें भारतीय टोकरी का महत्व तो समझ में आ गया एक दिन में। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, भारत में ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, यह भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लगे हाथों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।